उधर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार दीपक जोशी बागली विधानसभा के दौरे पर निकले। अपने दौरे को दीपक जोशी ने नई शुरुआत कहा है। उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। दोनों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ये भी दावा किया कि बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता दीपक जोशी के संपर्क में है। वहीं 18 मई को शिवराज सिंह चौहान के देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा के दौरे पर भी वो आने वाले हैं। इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो भी दीपक जोशी के साथ उसी दिन बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में संविधान बचाओ सभा करेंगे। हम लोग बागली विधानसभा से आज शुरुआत कर रहे हैं कि जहां रसूख है, जहां प्रभाव है दीपक भाई का, उन्होंने खुद इस बात का चयन किया कि मैं सबसे पहले उस भूमि को नमन करने जाऊंगा जहां मेरे पिता ने जाने कितने बरस संकल्प के साथ कर्म योद्धा की तरह बिताए। उस भूमि को माथे से लगा के मैं अपनी राजनीतिक यात्रा फिर से चलूँ। आज जोशी जी का विचार कई गलत संकल्प चुनकर काम कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं, और शायद उस विचार को लेकर मैं वहाँ पहुँचा। कमलनाथ जी ने स्वयं जोशी जी की तस्वीर को माल्यार्पण करके इंसान ये कहा था कि इस विरासत को बचाने की संजोने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की, हम इसे बखूबी संजोएंगे। और अगर देखें संगठनात्मक रूप से भी जोशी जी जिस जिले से अपनी पहचान बनाकर आज देश प्रदेश की राजनीति में है, वो जिला कार्यालय में जोशी जी की तस्वीर नहीं। आप देखते अभी कांग्रेस तो एक डुबती नैया है और दीपक भैया ने उसमें अगर जाने का निर्णय लिया है तो ये कोई कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा कि कोई लोग जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से दीपक भैया के संपर्क में भी है, लोगों ने उनके निर्णय को नकारा भी है। लोगों का कहना है कि हम विचारधारा के साथ दीपक भैया के साथ थे, न कि व्यक्तिगत रूप से हम दीपक भैया